तीर्थ नगरी पुष्कर में मंगलवार रात हुई मूसलाधार बारिश से एक तरफ जहां पुष्कर सरोवर में 3 फीट पानी की आवक हुई, वहीं क्षेत्र की निचली बस्तियों में मौजूद कई दुकानों और घरों में पानी भर जाने से कस्बे वासियों को भारी मुसीबतों का सामना करना पड़ा। यहां कई क्षेत्र ऐसे भी थे जहां सुबह तक पानी भरा रहा। कस्बे के गुरुद्वारा रोड, वराहघाट, पटवारी गली, मिश्रों का मोहल्ला, पुराना रंगजी मंदिर, सावित्री मोहल्ला और परिक्रमा मार्ग में जलभराव के चलते आवाजाही भी प्रभावित रही। वहीं दूसरी ओर हिंदू आस्थाओं के सबसे पुरातन तीर्थ पुष्कर सरोवर में पानी की आवक से यहां पुरोहितों के चेहरे भी खिले खिले नजर आए। तेज बरसात ने नगरपालिका की सफाई व्यवस्था की भी पोल खोल कर रख दी। जगह जगह सीवरेज के चैम्बर से गंदा पानी निकलकर सरोवर में बहता दिखाई दिया, जिसको लेकर स्थानीय तीर्थ पुरोहितों ने एक बार फिर अपनी कड़ी नाराजगी व्यक्त की है। गौरतलब है कि गहलोत सरकार ने अपने हालिया बजट भाषण में करीब 10 करोड़ की लागत से स्टॉर्म ड्रेनेज सिस्टम के पहले चरण के काम हेतु बजट भी प्रस्तावित कर दिया था, जिसको लेकर अजमेर विकास प्राधिकरण को निविदाएं निकालनी थी। बजट घोषणा के 3 महीनों बीत जाने के बाद भी धरातल पर कोई काम होता नजर नहीं आ रहा है। रात को जोरदार बारिश आई, उसमें माली मोहल्ले में करीबन घरों में 4 से 5 फीट पानी भर गया। सबसे घरों में पानी 4 से 5 फीट पानी था, जिससे खाने पीने की वस्तुओं, बिस्तर वगैरह सारे खराब हो गए। हम मोहल्ले वासियों को सारी रात पानी निकालने में लगे रहे और अभी भी कचरा वगैरह गंदगी हटा रहे हैं। प्रशासन इस ओर भी ध्यान देना चाहिए।